इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आपका स्वागत करता हूं। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में चल रही यूनिट नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के एक नए वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर की गिनती क्या है, तो मैं वो भी बता दूं, टुडेज वीडियो लेक्चर इज वीडियो लेक्चर नंबर 11। जी हाँ, आज का लेक्चर 11वां वीडियो लेक्चर है, जो कि बहुत जल्द अब हमें इस चैप्टर के अंत की ओर ले जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज का लेक्चर एक आखिरी लेक्चर है, बट एक दो लेक्चर और शायद और आएंगे, एंड देन मुझे ये बात कहने में बहुत खुशी होगी कि फाइनली हमारी ये यूनिट खत्म हो गई है। सवाल आता है, सर आज क्या पढ़ाने जा रहे हो? Today's video lecture is very much closely related to what we have done in the previous lecture. यानी इससे पहले वाला जो video lecture number 10 था, वो बहुत ही important lecture था, जिसमें मैंने आपको एक technique के बारे में पढ़ाया था। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा, आजकल अगर मैं कुछ करा रहा हूँ इस unit में, तो हमारी चल रही है different techniques that we use to separate mixture, यानी अलग-अलग प्रकार के mixtures को सेपरेट करने के लिए हम जिन टेक्निक्स का साइंस की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, उन सभी टेक्निक्स का जिक्र चल रहा है और उन सभी टेक्निक्स के बारे में मैं ज्ञान दे रहा हूं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, यानी जब कुछ ऐसे लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं जिन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या टेक्निक केमिस्ट्री की दुनिया में बनी है, तो वो टेक्निक मैंने आपको पिछले ही वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से बताई थी, जिसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सवाल आता है, सर फिर आज का वीडियो लेक्चर पुराने वाले वीडियो लेक्चर से कैसे रिलेटेड है? आप जैसा कि पढ़ चुके हैं, टुडेज वीडियो लेक्चर इज हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हाँ जी, एयर मतलब हवा, आसपास की वो हवा जिसमें आप, मैं और सभी जीव जंतु सांस ले रहे हैं। तो एक बच्चा कहता है, अगर आप, मैं और सभी जीव जंतु इस हवा में सांस ले रहे हैं, तो सर एक चीज तो क्लियर है। मैंने कहा, वो क्या? कि हवा में ऑक्सीजन है। लेकिन बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा साइंटिफिकली दैट एयर डज नॉट कंटेन ओनली ऑक्सीजन। अगर एयर में ऑक्सीजन होता ना, तो शायद हम लोगों को कभी ऑक्सीजन की कमी होती ही ना। एयर में ऑक्सीजन और बहुत सारी चीजों के साथ भी रिएक्ट करता है, और एयर में ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। एक बच्चा बोला, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अगर आपको नहीं पता, तो मैं बताना चाहूंगा दैट हमारी जो हवा है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इंडिविजुअली तो आप किसी भी गैस को ना देख पा रहे हो और ना ही इंडिविजुअली किसी गैस को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। और होमोजीनियस मिक्सचर की यही एक खासियत होती है कि इंडिविजुअली किसी भी गैस को हम या इंडिविजुअली किसी भी कॉम्पोनेंट को आसानी से देख नहीं सकते और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैंने कहा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर, हवा में कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों कि हवा में मौजूद होता है नाइट्रोजन, हवा में मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में मौजूद होता है ऑक्सीजन, हवा में मौजूद होता है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये तीन नाम एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। मैं बताना चाहूंगा, दीज आर इनर्ट गैसेस, ये वो गैसेस हैं जो हवा में मौजूद तो है लेकिन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हवा में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मात्रा में मौजूद होती हैं, लेकिन मैं केवल उन गैसेस की बात करूं जिनका अच्छा खासा परसेंटेज है। हवा में कम से कम नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन की भी अच्छी खासी 18-20% उसकी मात्रा है, एंड देन बाकी सारे गैसेस। सवाल आता है, सर अगर हवा में ये सारी गैसेस मौजूद है, तो फिर इन्हें अलग कैसे करते हैं? बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि एयर को सेपरेट करने का जो पूरा का पूरा डायग्राम है, वो मैं बोर्ड में तो नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने याद नहीं किया, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है डायग्राम की। अरे ऐसा नहीं है, डायग्राम एक्चुअली में बहुत बड़ा है, उसमें पूरा समय चला जाएगा, मैं वो समय आपका खराब नहीं करना चाहता। एक बच्चा कहता है, फिर बिना डायग्राम के हमें कैसे समझ आएगा? इसलिए अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, उस बात को बताने के लिए एक बार आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते देखते एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं, एक बच्चा कहता है एनसीईआरटी में कहां है? बिल्कुल है, मैं अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठा हूं, तो मेरे साथ मेरी एनसीईआरटी पढ़ी है। और मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 23 में, जी हाँ, अगर आपको स्क्रीन पे मेरी जगह पेज नंबर 23 नजर आ रहा है, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, पेज नंबर 23 में फिगर नंबर 2.12, ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। इस डायग्राम में इंडिविजुअली 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 क्या है,
मैं ऐसे ऐसे नहीं बताने वाला, मैं वर्बली समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। अगर आप देखेंगे आपके सामने पूरा का पूरा एक डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटअप है जिसमें हवा में मौजूद गैसेस को अलग करने की कोशिश की जाती है। तो किताब को मैं यही रख दूंगा क्योंकि डायग्राम दिखाने के लिए मैं आपको कह चुका हूं कि एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए हमारा आज का टॉपिक, आज के वीडियो लेक्चर में, आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन बी सेपरेट, आई रिपीट माई सेंटेंस, हाउ कैन बी सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एयर इज अ मिक्सचर, हाउ कैन बी सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी अलग अलग गैसेस को, अलग अलग प्रकार की गैसेस को हवा में से कैसे अलग किया जा सकता है, हवा में से कैसे अलग किया जा सकता है, वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो आपको मैं बता दूं कि हवा गैस होती है। एक बच्चा कहता है हाँ हवा गैस होती है। आपको मैं बता चुका हूं कि जो हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था वो टिपिकली उनके लिए था जो मिसिबल लिक्विड्स है, बिल्कुल सही, यानी वो लिक्विड्स जो सब आपस में घुले हुए हैं। तो एक बात बताओ, हवा में भी तो सारी की सारी लिक्विड्स आपस में घुले हुए हैं। एक बच्चा कहता है वो सर जी लिक्विड क्यों बोला, गैस बोलो, हवा में सारी गैसेस घुली हुई है। अरे हाँ मैंने लिक्विड क्यों बोल दिया, हवा में सारी गैसेस घुली हुई है, यानी जिस तरह से बहुत सारे लिक्विड्स या कुछ लिक्विड्स आपस में मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक उसी तरह क्या मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी गैसेस ने आपस में मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर एयर बना रखी है। और ये सब क्या है, गैसियस स्टेट में। अगर ये सब लिक्विड स्टेट में होते तो क्या हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर पाते। एक बच्चा कहता है बिल्कुल कर पाते। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे अलग करते उसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर। सो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है और अचानक से यहां पहुंच गए हैं, ये वाला वीडियो लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं बिना वीडियो लेक्चर नंबर 10 देखे, तो यार ये छोटी सी गलती मत करो। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें ताकि आज के वीडियो लेक्चर में बताई जाने वाली बातें आपको अच्छे से समझ आ सके। समझ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों। अब होता क्या है, क्योंकि आप ये 9th क्लास में केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो दैट एयर के अंदर हवा में मौजूद पार्टिकल, सुनना मेरी बात, हवा में मौजूद पार्टिकल्स क्योंकि गैसियस स्टेट में होते हैं, सो देयरफॉर दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही, दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, दिस मीन्स आई रिपीट माई सेंटेंस, उन्हें अलग करने के लिए हम सबसे पहले पार्टिकल्स को, हम सबसे पहले गैस के पार्टिकल्स पे लगातार हाई प्रेशर लगा के उन्हें पास लाते हैं, यानी हम उन्हें पास लाने की कोशिश करेंगे, यानी हम पार्टिकल्स को पास लाएंगे। दिस मीन्स आई रिपीट माई सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेप वन, ये कहती है कि गैसियस मिक्सचर को हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे कंप्रेस किया जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं उस पर प्रेशर लगा के। तभी तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का जब आप कैप ओपन करते हो, ढक्कन ओपन करते हो, ऐसे आवाज आती है, इसका मतलब उसमें जो भी गैस है वो हाई प्रेशर में अंदर दबी हुई है। हमारे सिलेंडर का जब हम नॉब ओपन करते हैं तो अंदर से गैस बाहर आती है, परफ्यूम की बॉटल का आप इस्तेमाल करते हो, अंदर से गैस बाहर आती है, तो इस तरह से आवाज आती है क्योंकि अंदर जो गैस होती है वो हाई प्रेशर पे होती है। या हम प्रेशर रिलीज नहीं कर रहे हैं या हम प्रेशर लगा रहे हैं। और कॉमन सेंस है, आप भी जानते हो, बच्चा जानता है कि किसी भी गैसियस स्टेट पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स पास आएंगे, तो उन
उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो कम होता जाएगा। एक बच्चा कहता है सर लेकिन हमने तो पढ़ा है कि गैसियस स्टेट में इंटर एटॉमिक स्पेस तो ज्यादा होता है, आप तो उनका वजूद बदलने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही। अब पार्टिकल्स को जब प्रेशर लगाया जाएगा और उनका टेम्परेचर कम किया जाएगा, टेम्परेचर कम करने का मतलब उन्हें ठंडा किया जा रहा है, ठंडा करने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया जा रहा है। तो पार्टिकल्स पे प्रेशर लगने से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे और उनका टेम्परेचर कम करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो पार्टिकल्स पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे अब वो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करेंगे और एक लम्हा एक मोमेंट ऐसा आएगा कि गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, एक बच्चा कहता है यानी वो जो हवा हवा है वो हवा हवा नहीं, वो लिक्विड यानी पानी बन जाएगी। नॉट वॉटर बट येस इट विल बी अ लिक्विड मिक्सचर। लेकिन पता है आपको बताना चाहूंगा कि इन सारी गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने की बजाय सॉलिड स्टेट में आ जाती है और ड्राई आइस बन जाती है। जी हाँ, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुना, कंप्रेस किए जाने पर कंप्रेस करने पर वी विल गेट अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ एयर। मेरे प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों, कंप्रेस करने पर हमें मिलेगा लिक्विड मिक्सचर ऑफ एयर यानी हवा का एक लिक्विड मिक्सचर हमें मिल जाएगा। इस लिक्विड मिक्सचर से हमें दो चीजें मिलेंगी, एक हमें मिल जाएगी ड्राई आइस जो कि कुछ नहीं होता, ड्राई आइस इज बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें मिलेगी लिक्विड एयर, हमें मिलेगी लिक्विड एयर जिसमें मौजूद है कंटेनिंग, जिसमें मौजूद है कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें मौजूद है नाइट्रोजन, उसमें मौजूद है आर्गन और उसमें मौजूद है ऑक्सीजन, जिसमें सबसे कम मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का होता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का होता है और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिससे वो बॉयल होगा वो ऑक्सीजन का होता है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, जो भी जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं या जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पे लगाओ अपना पूरा ध्यान ताकि ना होना पड़े मेरे किसी भी बच्चे को जरा सा भी परेशान। सवाल आता है सर ठीक है, आपने गैस पे प्रेशर लगा के गैस को उसके गैसियस वजूद से लिक्विड स्टेट में ले आए, लेकिन आप जब ऐसा कर रहे थे तो एक गैस लिक्विड स्टेट में आने की बजाय सॉलिड स्टेट में आ गई और वो बन गया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो वैसे ही आसानी से अलग हो जाएगा। जो बचा हुआ लिक्विड मिक्सचर है, इस बचे हुए लिक्विड मिक्सचर का किया जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कैसे करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑलरेडी आपको वीडियो लेक्चर नंबर 10 में सिखा चुका हूं, इसलिए वो हर स्टूडेंट वो हर बच्चा जो आज ये लेक्चर देखते देखते यहां तक पहुंच गया है लेकिन उसने अभी तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं देखा है, तो मेरी अभी भी आपको रिक्वेस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पहले से अपलोड किए हुए लेक्चर मिल जाएंगे, उन्हें देखो अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से पक्का करो और जो मन में है सवाल उसको अगर उठता है तो मचाओ बवाल। एक बार पूरी की पूरी बोर्ड पे दी हुई जानकारी को अच्छे से घोल लीजिए, द एंटायर इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन ऑन द बोर्ड इज समथिंग वेरी यूजफुल दैट यू ऑल नीड टू पे अटेंशन माय डियर प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों। तो एक बार देख लीजिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ गया। अब सवाल आता है सर अब क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप ये जानते हो कि जब बॉइल करने का प्रोसेस शुरू होता है तो वो लिक्विड, अब तो गैस नहीं बोलूंगा ना, लिक्विड बोलूंगा क्योंकि गैस लिक्विड बन चुकी है, वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो पहले उभर कर आता है और वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का होता है अप्रॉक्सिमेटली -196 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ होता है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, वैल्यूज इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकती है, आप किताब खोल के एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, मैंने आपको बता दिया कि कैसे
आप एक हवा के मिक्सचर में से अलग 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 गैसियस कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो। तो हमने लिक्विड मिक्सचर को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कराना है और जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले अचीव होगा वो गैस हमारी पहले अलग हो जाएगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि तीन फ्रैक्शन में हमें तीन हिस्सों में मिक्सचर अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। पहला हिस्सा नाइट्रोजन का प्राप्त होता है क्योंकि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का है। दूसरा हिस्सा ऑक्सीजन का प्राप्त होता है क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। और तीसरा हिस्सा हमें ऑक्सीजन का दूसरा हिस्सा आर्गन का प्राप्त होता है और तीसरा हिस्सा हमें ऑक्सीजन का प्राप्त होता है। ऑक्सीजन का नंबर सबसे लास्ट में आता है। अगर आप लोगों ने कभी ना कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाए होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लिक्विड ऑक्सीजन। और लिक्विड ऑक्सीजन वहां पे जब इस्तेमाल किया जाता है तो पेशेंट के बेड पे आपने देखा होगा पीछे येलो कलर की डिब्बी से लगी होती है, उसमें बुलबुले उठ रहे होते हैं। वो कुछ नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन ही होता है जो कि पेशेंट को देने के लिए, पेशेंट की मदद के लिए, उसको जिस समय सांस लेने में तकलीफ होगी उस समय वो ऑक्सीजन अंडर द प्रेशर रिलीज किया जाएगा और जैसे ही उसे रिलीज करेंगे वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि है तो वो गैस ही ना, वो तो प्रेशर लगा रखा था आपने इसलिए उसका वजूद बन गया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ आए। सो व्हाट डू यू वांट टू लिसन टू नाउ? सिंपल, अब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि बहुत प्यारे से छोटे से वीडियो से लेक्चर में मैंने एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर दिया। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से लेकर आऊंगा एक छोटा सा नया सा प्यारा सा और टॉपिक जिसमें आपको हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सेपरेट करने वाले अलग अलग टेक्निक्स में से जो बची हुई टेक्निक्स है उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरी आपसे है गुजारिश, चाहे आ जाए तूफान या आ जाए बारिश, मत करना अपना समय बेकार, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको इंतजार। सो माय डियर क्लास 9 के बच्चों, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को एक बार एनसीईआरटी में जरूर देख लेना क्योंकि मैंने समझाया सब कुछ है लेकिन डायग्राम नहीं बताया। तो डायग्राम में आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी। एक बच्चा कहता है सर फिर भी अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो डायग्राम का जिक्र कर दो। चलो जी मैं ठीक है आपको याद दिलाता हूं, अगर डायग्राम अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं डायग्राम से समझाता हूं। सबसे पहले जो हवा है उसे एक फिल्टर से फिल्टर करके एंटर करने का मौका दिया जाता है। जब हवा एंटर कर जाती है तो एंटर करने के बाद उस हवा को प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर। और प्रेशर लगाने पे क्या होगा, पार्टिकल्स पास आएंगे। जब पार्टिकल्स पास आएंगे तो आपस में टकराएंगे, जब टकराएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा होगी और फ्रिक्शन से हीट एनर्जी आएगी, इसलिए हवा गर्म हो जाती है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी में यहाँ पे पाइप नजर आएगा हॉट एयर, लेकिन भैया हॉट एयर है तो फिर तो निकल जाएगी, हम नहीं चाहते कि वो गर्म रहे इसलिए हम उसे हॉट एयर को ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के लिए यहाँ पे ठंडा पानी का एक पूरा का कॉलम लिया जाता है जिसमें से ठंडा पानी एंटर करता है और ऊपर ठंडा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से हवा जो कि पहले गर्म थी जिसको हमने प्रेशर कर दिया, प्रेशर लगा के लिक्विड बना दिया, अब वो पूरी तरह से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हो जाती है। उस कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को हम पास करते हैं सेपरेटर से और सेपरेटर क्या करता है उस गैस को अलग कर देता है जो सॉलिड हो चुकी है। कौन सी थी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सेपरेटर तक पहुंचते बाकी का लिक्विड मिक्सचर अलग जाता है और उस लिक्विड के मिक्सचर में से सॉलिड ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाता है। उसके बाद यह हिस्सा जब आगे जाएगा तो आगे जब हम इसको भेजते हैं तो लिक्विड एयर में से हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम से नाइट्रोजन अलग हो जाता है, आर्गन अलग हो जाता है और लास्ट में निकलता है आपका लिक्विड ऑक्सीजन। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आया। सो एक बार फिर से आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा जो आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने में अपना समय दिया। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है ना, लाइक करना ना भूलें, कॉमेंट करना ना भूलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेहनत करने वाली आपकी उम्र है, मेहनत करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों।